और चावल इसका मांस पति नाम राजा सेटाइवा, फैमिली पोएसी और उप फैमिली ओराइजिनी। चावल जीनस ओराइजा पोएसी कुल के उपकुल का ओराइजा का सदस्य है। इस जीनस की लगभग 27 जातियाँ पाई जाती है। इसमें कुछ दो मुख्य दो जातियाँ ओराइजा सेटाइवा ओराइजा ग्लेबिरा। चावल उत्पादन क्षेत्र चावल इसमें पाए जाने वाले मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक है। विश्व की आधी जनसंख्या द्वारा चावल प्रमुख फसल के रूप में खाया जाता है। लगभग 145 मिलियन हेक्टेयर में चावल की खेती की जाती है। इसमें चावल की पैदावार लगभग 140-150 मिलियन टन है। चावल उत्पादन क्षेत्रों में सबसे प्रमुख चीन, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, जापान, कोरिया, फिलीपींस आदि देश हैं। पाश्चात्य देशों में अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, स्पेन व मिस्र हैं। भारत में चावल उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, असम। चावल की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ राइस। चावल का ग्राम्यान डोमेस्टिकेशन एशिया में हुआ ये निर्विवाद है, परंतु इसके वास्तविक स्थान उस समय विवादित है। भारत, चीन, इंडोनेशिया ऐसे देश माने गए हैं जहाँ इसकी उत्पत्ति संभावित हुई है। चावल की सर्वप्रथम खेती भारत, चीन, थाईलैंड, बर्मा में होती थी। चावल की सर्वाधिक किस्में दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाती है। बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइस। चावल का उत्पादन अल्पजीवी 6 माह एक वर्षीय जलीय पौधा होता है। पौधा उध्रवीय लगभग 60 से 150 सेमी लंबा होता है। कभी कभी तला साकुन भी पाया जाता है। तो ये चावल के दाने का कट भाग है। जब फुल लेयर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो उसकी पेनिकल स्टेम्स लीव्स एंड रूट्स पादप जड़ तना पत्तियां में विभाजित रहता है। जड़े अवस्थानिक रेशेदार होती है। तना द्रुपल चिकना एक लंबयुक्त होता है। ये पर्व से खोलते खोखले होते हैं। पत्तियां चपटी रेखीय आधारीय भाग पर्व से गिर रहती है। इनमें समांतर शिरला विन्यास पाया जाता है। ये जेल एक जिलो रंगहीन लिग्योल बीज में उपस्थित रहती है। पादप की जनावस्था में पादप की सीमा के शीर्ष भाग में स्पाइक और स्वक्रम स्पाइक इनफ्लोरोसेंस लगते हैं। पुष्प रंग एक स्पाइलेट में के 3 पुष्प में से आधारित 2 पुष्प बंदे 13 पुष्प जनयोग्य होता है। लिंगी पुष्प में 6 किस्र होते हैं। चावल का दाना भूसा लेमा तब पेलिया के रूप में रहता है। ये सुनहरे भूरे रंग के होते हैं। भूसे सही दानों के धान को पेडी कहते हैं। आर उतारने के बाद रहित चावल के दाने सफ़ेद हल्के पीले रंग के होते हैं। चावल का दाना 9 से 14 सेमी लंबा एक बीजीय एस्पून केरियोसिस है जिसमें स्टार्च युक्त बड़े आकार का भ्रूण मूत्र एंडोस्पर्म एल्यूलियन परत से आवंत्रित रहता है जिसमें प्रोटीन 7-8% विटामिन पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल के उपस्थित होते हैं। एंथोसाइनसिन अगर उपस्थित होता है तो चावल लाल और हल्का बैंगनी रंग का होता है। चावल एशिया में मुख्य रूप से प्रोटीन युक्त है। चावल की कुछ जातियाँ इसको भोजन के रूप में नियमित रूप से लिया जाता है। उच्च मात्रा में लाइसिन उपस्थित होता है। चावल की कुछ जातियाँ में स्टार्च एमाइलोपेक्टिन अन्य एमाइलेज के रूप में रहता है, परंतु चावल में वसा की मात्रा अत्यधिक कम होती है। क्लाइमेट अपलैंड राइस लोलैंड राइस सेमी एक्वाटिक होने के कारण अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ऐसा चावल जिसमें खेत पानी से भरा हुआ रखना आवश्यक नहीं होता ऐसे क्षेत्रों में कर्षित किया जाता है जहाँ वार्षिक वर्षा 60 से 120 सेमी तक होती है। ब्राज़ील में इसके सर्वाधिक चावल उत्पादन किया जाता है। नूतन विश्व जैसे अमेरिका में भी इसके चावल की खेती की जाती है। लोलैंड राइस ये चावल ऐसे क्षेत्रों में विकसित किया जाता है जहाँ वार्षिक वर्षा 250 सेमी होती है। खेत पानी से सदियों भर रहते हैं। बाहर चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया आदि प्रमुख देशों में इसकी खेती की जाती है। इसके लिए क्या टेम्परेचर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस फ्लोरिंग इनिशिएशन के टाइम फल पकने के टाइम पीएच
मर्दा, क्ले, चिकनी ये पाई जाती है। इसके अमाउंट जल, प्रोटीन, वसा, स्टार्च, विटामिन्स, राइस के ये परसेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। तीन भागों में विभाजित इसकी किस्म, विंटर में भी किया जा सकता है, ऑटम में भी किया जा सकता है, स्प्रिंग में भी किया जा सकता है, ड्राई कल्टीवेशन में भी किया जा सकता है, सेमी ड्राई कल्टीवेशन में, वेट कल्टीवेशन में। इस प्रकार इसके थ्री टाइप्स हैं किस्म की। बालियों के पकने पर तने की कटाई के समय तने का रंग खराब होना चाहिए तथा कटाई मशीनी से की जानी चाहिए। मंडल बनाकर पशुओं को चल्ला थ्रेसिंग द्वारा क्लियर कर लिया जाता है। 7-8 हज़ार किलो प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो सकती है। इम्प्रूवमेंट राइस इसमें कृष्णा, पद्मा, मसूरी, कालिका, जया, रत्ना, पूषा, पद्मा, बासमती वाला इस प्रकार के उन्नत किस्में इसकी चाल कुछ विशेष किस्में भी हैं। 120R2 चाल की यूज हमारा राइस खीर पोहा अनाज स्ट्रो इसमें इसका यूज किया जाता है। स्ट्रो अनाज में पोहा खीर मुरमुरा सेला इस प्रकार इसके यूज किए जाते हैं चावल के।